क्या अदाणी समूह को अमेरिका में जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट और अमेरिकी मार्केट रेगुलेटर ने क्या बगैर सबूतों के ही अदाणी समूह से जुड़े अधिकारियों को रिश्वत के मामले में आरोपी बना दिया? इन सवालों की पड़ताल से पहले आप अमेरिका के भावी प्रेसिडेंट ट्रंप का एक्स पोस्ट देखिए। 20 नवंबर के इस पोस्ट में ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन और अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट पर गंभीर सवाल खड़े किए। ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट अदालतों में कट्टर वामपंथी जजों को भरना चाहते हैं, रिपब्लिकन सीनेटर्स को इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्ता परिवर्तन से पहले कोई नया जज कुर्सी पर न बैठे। ट्रंप के इस पोस्ट का संबंध अदाणी मामले से भले ही ना हो, लेकिन ट्रंप के इस पोस्ट के जरिए अदाणी मामले को समझना जरूरी है। अदाणी मामले में न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में जिस तरह से अदाणी समूह के अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप तय कर दिए गए, उसमें पेंच है और कई बातें साफ नहीं है। मसलन, अदाणी समूह पर लगे आरोप पर सवाल, रिश्वत के आरोप का आधार क्या है, रिश्वतखोरी के सबूत क्या है, बिना सबूतों के आरोप कैसे तय कर दिए गए, आरोप तय करने से पहले अदाणी समूह का पक्ष क्यों नहीं लिया गया, ऐसे कई सवालों के साथ अदाणी समूह कानूनी लड़ाई लड़ने जा रही है, क्योंकि अमेरिकी अदालत में कई बार बड़ी कंपनियों पर ऐसे आरोप लगे और बिना सबूतों के टिक नहीं पाए। अमेरिकी अदालत में मेटा या फेसबुक और गूगल पर ऐसे आरोप लग चुके हैं। 2019 में गूगल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गूगल के खिलाफ धोखाधड़ी के एक आरोप की जांच की अनुमति दी थी, लेकिन जांच किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। ट्रंप ने तो अदालतों में बैठे ऐसे जजों की नियत पर ही सवाल उठा दिए जो लेफ्ट विचारधारा के हैं और चीनी कंपनियों के हित में काम करते हैं। अमेरिका में चीन की कई कंपनियों पर बौद्धिक संपदा की चोरी, ग्लोबल सर्विलांस से लेकर मार्केट पर कब्जे के आरोप लग चुके हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की जब इलेक्ट्रिक कार लॉन्च होने वाली थी, उस समय एलन मस्क पर भी आरोप लगे। एलन मस्क इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में चीन की बड़ी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती थी। मस्क को नुकसान पहुंचाने का सीधा सीधा फायदा चीनी कंपनियों का होता है। अब ये कहा जा रहा है कि चीनी लॉबी अब अदाणी समूह के पीछे पड़ी है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अदाणी दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट गुजरात के खावड़ा में है। खासकर सोलर पार में अदाणी समूह तेजी से आगे कदम बढ़ा रही है। अदाणी ग्रुप अमेरिका के एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में $10 अरब निवेश करने जा रहा है, जिससे 15,000 नौकरियां पैदा होंगी। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अदाणी समूह की बढ़ती ताकत से चीन घबराया हुआ है। चीनी कंपनियों के लिए अदाणी समूह चुनौती बन चुका है और चीन इस बात से भी परेशान है कि ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप ने यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट में भारी फेरबदल के संकेत दिए हैं। सवाल ये है कि क्या इस फेरबदल का असर अदाणी के खिलाफ आरोप तय करने वाली अदालत पर भी पड़ेगा? For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.